जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिक्किम टूर प्लान के बारे में बात करेंगे। हम लोग कहाँ रुक, कैसे जाएं, कौन सा हमें आईडी कैरी करना चाहिए, कौन सा आईडी सिक्किम में वैलिड है, कौन सा आईडी सिक्किम में नहीं वैलिड है, कितना हमें बजट खर्च होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। सिक्किम जाने के लिए आपको सबसे पहले नज़दीक स्टेशन या तो न्यू जलपाईगुड़ी जाना होगा या आपको सिलीगुड़ी आना होगा। यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी आते हैं तो आपको वहां से टैक्सी लेकर के सिलीगुड़ी आ जाना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी में जो तेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनल है उसका डिस्टेंस लगभग 7 किलोमीटर है। आपको आसानी से वहां से 10-20 रुपये में टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी, आप तेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनल आ जाइए या आप सिलीगुड़ी में नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है, आप वहाँ भी उतर सकते हैं। जैसे आप सिलीगुड़ी तेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनल आते हैं तो वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं जिसका कॉस्ट लगभग 400-500 रुपये पर हेड पड़ेगा आपको, आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं, उसका कॉस्ट अराउंड 3500 से 4000 रुपये आपको पड़ेगा। और सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट आपके लिए होगा, आप वहाँ से बस ले सकते हैं। तेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनल से आप डायरेक्ट गैंगटोक के लिए बस ले सकते हैं जिसका अभी कॉस्ट 200 रुपये लगेगा या 180 से 200 रुपये के बीच आपको लग सकता है और 5 से 6 घंटे में आप आराम से गैंगटोक पहुंच सकते हैं। गैंगटोक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम वहां रुके कहां। गैंगटोक यदि आप बस से जाते हैं तो आप वहां देवराली बस स्टैंड में पहुँचते हैं। वहाँ से आप होटल के लिए एमजी मार्ग जा सकते हैं जो कि वहाँ का एक फेमस जगह है। आप एमजी मार्ग में बहुत सारे होटल हैं, आप वहाँ होटल ले सकते हैं। देवराली बस स्टैंड से एमजी मार्ग आप किसी भी टैक्सी वाले को 20 से 25 रुपये देंगे, वो आपको बस स्टैंड से एमजी मार्ग पहुँचा देंगे। और वहाँ होटल का रेंट जो है पर हेड 1000 से 1500-2000 के बीच इस तरह का रेट है। आप वहाँ आसानी से जा कर के होटल बुक कर सकते हैं। तो डे वन में हम लोग इतना काम कर सकते हैं, डे वन में सिलीगुड़ी से गैंगटोक हम लोग पहुँच जाएंगे। रास्ते में आप बहुत अच्छे व्यू को देखते हुए आसानी से आप पहुँच सकते हैं। सबसे कन्वीनियंट जो रहेगा वो आपके लिए बस रहेगा और आप यहाँ आके एमजी मार्ग में होटल लेके रात में वहीं आप डिनर कर सकते हैं। और डिनर यहाँ आपको अच्छा डिनर करने के लिए पर हेड आपको कम से कम 200 से 250 रुपया लग सकता है। ऐसे आप नॉर्मल यदि डिनर करना चाहते हैं रोटी चावल सब्जी तो आपको 160 से 200 रुपये करीब लग सकता है। अब हम लोग डे टू का टूर प्लान देखते हैं। डे टू में हम लोग गैंगटोक के लोकल साइट सीइंग को देखेंगे। आप यदि एमजी मार्ग में रुकते हैं तो आप वहीं से टैक्सी लेकर के लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। लोकल साइट सीइंग पर टैक्सी आपको लगभग 2500 से 3000 रुपये खर्च होगा। यदि आप एक टैक्सी में ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग रहेंगे, आप जिस तरह बुक करेंगे टैक्सी उस तरह का चार्ज होगा। आप उसको 5 से 6 घंटे में सभी दूरी को कवर कर सकते हैं। आप उस लोकल साइट सीइंग में बनझाकरी वाटरफॉल जा सकते हैं, 7 सिस्टर वाटरफॉल आप देख सकते हैं, आप रोमटेक मोनेस्ट्री को देख सकते हैं, आप गणेश टोक जा सकते हैं, वहाँ गणेश जी की मूर्ति से पूजा अर्चना कर, आप ताशी व्यू पॉइंट जा सकते हैं जहाँ से आप कंचनजंगा व्यू को देख सकते हैं, आप हनुमान टोक जा सकते हैं जहाँ से पूरे गैंगटोक शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और आप देवराली बाजार में एक रोप वे है आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं जिसका पर हेड कॉस्ट 110 रुपये लगता है। आप वहाँ जाने से पहले पता कर लें कि वो क्लोज है या ओपन है, क्योंकि जब हम लोग गए थे जनवरी के मंथ में तो उस टाइम सडनली 5-6 दिनों के लिए टेक्निकल इशू के कारण क्लोज बताया गया। अब हम लोग डे थ्री की बात करते हैं। डे थ्री में हम लोग गैंगटोक से नाथुला पास जाएंगे जिसके लिए आपको एक परमिट बनाना होगा और वो परमिट आप किसी भी साइबर कैफे में वहाँ आसानी से बनवा सकते हैं। पर हेड 30 से 40 रुपये, कहीं आपको 50 रुपये भी लेंगे, पर हेड वो 30 से 50 के बीच में आपको वो परमिट या ट्रैवल कार्ड बना दिया जाए। अब जिस भी गाड़ी को हायर करेंगे उनको आप वो परमिट दे देंगे, वो आगे सब जगह परमिट दिखाते हुए जाएंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। गैंगटोक से नाथुला की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। उस टैक्सी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 3000 से 4000 रुपये फुल टैक्सी रहेगा।
गैंगटोक से नाथुला जाने के क्रम में 20 किलोमीटर पहले आप चंगू लेक को देख सकते हैं और आप नाथुला पास से 8 किलोमीटर आगे बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटर्न एमजी मार्ग में आ सकते हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं। अब हम लोग डे 4 की बात करते हैं। डे 4 में आप गैंगटोक से लाचुंग जा सकते हैं। गैंगटोक से लाचुंग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और आपको उस 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 8 से 10 घंटा का समय लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि वो रास्ता बहुत घुमावदार है और बहुत अच्छा व्यू है और उस रास्ते में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप आराम से रुकते हुए जाएं, इसी के कारण वहाँ समय ज़्यादा लग जाता है जाने में। लाचुंग जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ भी आपको होटल 1500 से 2000 के बीच में आपको होटल मिल सकता है, आप वहाँ आराम से स्टे कर सकते हैं। और वहाँ डिनर में रोटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको वहाँ ज़्यादातर चावल, सब्जी, चिकन, एग ये सब देखने को मिल सकता है। डे 5 में आप लाचुंग से युंगथांग और 0 पॉइंट आप दोनों जगह जा सकते हैं। लाचुंग से युंगथांग की दूरी लगभग 26 से 30 किलोमीटर की दूरी है, जिसे ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। आप वहां जाकर वहां के फूलों की घाटी का आनंद ले सकते हैं। गैंगटोक जाने के लिए जो बेस्ट सीजन है वो आप सितंबर से फरवरी में आप जा सकते हैं। और आप होटल के लिए एमजी मार्ग गैंगटोक में आप होटल ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां आधार कार्ड वैलिड नहीं है, आपको आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड कैरी करना होगा। युंगथांग से आप 30 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट जा सकते हैं, जहाँ से बर्फ ही बर्फ आपको दिखने को मिलेगा। उसके लिए आपने जो पहले परमिट बनाया था, टूर कार्ड बनाया था, वो दिखाना जरूरी होता है और उसके बाद आप रिटर्न आप लाचुंग आ सकते हैं। डे 6 में आप फिर लाचुंग से लाचेन जा सकते हैं। लाचुंग से लाचेन जाने के लिए आपको चुंगथांग आना होगा और चुंगथांग से लाचेन की दूरी 60 किलोमीटर। वहाँ आप जाकर सिंगी के व्यू पॉइंट से कंचनजंगा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। लाचेन से आगे आप गुरु डोंगमार लेक जा सकते हैं, तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमार लेक को आप एंजॉय कर सकते हैं, कि 5430 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आप रिटर्न नेक्स्ट डे आप गैंगटोक आ सकते हैं। ये मेरा टूर प्लान 6 दिनों का सिक्किम का टूर प्लान है। पूरा आप सिक्किम 6 दिनों में अच्छे से एक्सप्लोर कर। अब इसके बारे में हम एक बजट बना लेते हैं कि आपको पर हेड कितना खर्चा आ सकता है। सबसे पहले आप सिलीगुड़ी से गैंगटोक बस से जाएंगे तो उसका 200 रुपया हम पर हेड बता रहे हैं। उसके बाद आप वहां से जहां बस स्टैंड है वहां से आप एमजी मार्ग जाएंगे, उसका ऑलमोस्ट टैक्सी का कॉस्ट पर हेड 20 से 30 रुपया, ये हो जाता है 230 रुपया। उसके बाद आप वहां एमजी मार्ग जाएंगे और एमजी मार्ग में आप होटल लेंगे और आपको गैंगटोक में शुरू के 3 दिन गैंगटोक में ही आपको रुकना होगा। तो 3 दिन के लिए आप बुकिंग करने के लिए आप booking.com से आप सस्ते में आराम से या किसी भी साइट से आप सस्ते में बुक कर सकते हैं। तो यदि आप 3 दिन का कंटिन्यू बुक करते हैं मेरे टूर प्लान के हिसाब से, क्योंकि आपको गैंगटोक एक दिन तो आप गए उसी रात में रुकेंगे, अगले दिन आप लोकल साइट सीइंग करके फिर आएंगे तो फिर रुकेंगे, फिर अगले दिन आप नाथुला पास घूम के आएंगे तो फिर रुकेंगे, तो ये 3 दिन हो गया। आप 3 दिन बुक करते हैं तो आराम से आप 2000 रुपया में उसको बुक कर सकते हैं। तो 3 दिन का मेरा रहने का खर्चा हो गया, होटल का रेंट 2000 रुपया और 3 दिनों में आप खाने पीने से लेकर हम पर डे 500 रुपये जोड़ रहे हैं, तो 3 दिन का हो गया 1500 रुपये, तो 3730 रुपया हो गया यार। 3 दिनों में हम उसके बाद फिर लोकल साइट सीइंग करेंगे, नाथुला पास जाएंगे, तो इसका हम 1000 रुपया 2 दिन का हम जोड़ रहे हैं। तो एक दिन तो हम आए ही, अगले दिन हम लोकल साइट सीइंग करेंगे, उसके अगले दिन हम नाथुला पास जाएंगे, तो 500 रुपया लोकल साइट सीइंग पर हेड और 500 रुपया नाथुला पास पर हेड, इसका हम 1000 रुपया जोड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे लाचुंग, लाचुंग में एक दिन रुकेंगे, उसका होटल का 500 रुपया पर हेड, खाने पीने का 500 रुपया और फिर जाने का 500 रुपया पर हेड, माने वन डे 1500 रुपया लाचुंग में, वन डे 1500 रुपया। उसका डे 5 में हम लोग लाचुंग से 0 पॉइंट जाएंगे, तो 500 रुपया हमारा टैक्सी कॉस्ट, 500 रुपया खाने का कॉस्ट और फिर उस दिन 500 रुपया रहने का कॉस्ट।
1500 रुपया ये हो गया। बेसिक्स में फिर हम लोग लाचुंग से लाचेन जाएँ, उसका भी हम 1500 रुपया ऐड कर देते हैं, तो हम रिटर्न गैंगटॉक आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 9000 से 10000 के बीच में हमारा यह टूर प्लान का बजट बनता है।